हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबका एजुकेशन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे फेज डायग्राम। तो चलिए इसे समझने के लिए चलते हैं सबका एजुकेशन में। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिलता रहे। तो चलिए समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम क्या होता है। द कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम इज़ ए वन कंपोनेंट सिस्टम एंड इट्स फेज डायग्राम रिसेम्बल दैट ऑफ वाटर सिस्टम। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम है ये एक वन कंपोनेंट सिस्टम होता है एंड इसका जो फेज डायग्राम है वो वाटर के समान होता है। तो अब चलिए इसके फेज डायग्राम को देखते हैं। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम का फेज डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। आप देख सकते हैं इधर प्रेशर है एंड इधर टेम्परेचर है। ये देखिए, जब 1 atm प्रेशर रहता है एंड -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है तो इधर आप देख सकते हैं कि ये जो कर्व है ये सबलिमेशन कर्व है। इस पॉइंट पर जो सॉलिड फेज में कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसका सबलिमेशन होता है और जब सॉलिड CO2 का सबलिमेशन होता है तो ये सीधे गैस में चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं, इसीलिए इस कर्व को सबलिमेशन कर्व कहते हैं। तो इस पॉइंट पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है सॉलिड फॉर्म में वो मेल्ट हो जाता है और लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो इसीलिए ये जो कर्व है OC इसको मेल्टिंग कर्व कहते हैं। फिर जो लिक्विड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है 72.8 atm इंक्रीज़ होता है प्रेशर और टेम्परेचर रहता है 31.1 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो पॉइंट है आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर लिक्विड फॉर्म से कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाता है और इसीलिए ये जो कर्व है OA इसको वेपर प्रेशर कर्व कहते हैं। आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का तीनों फॉर्म है सॉलिड लिक्विड एंड गैस इस पॉइंट पर को एग्जिस्ट कर रहा है एक साथ, तो इसीलिए इस पॉइंट को कहते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो अब चलिए इसके कर्व के बारे में समझते हैं। ये देखिए, पहला पॉइंट है 3 कर्व OA OB एंड OC मीटिंग एट ट्रिपल पॉइंट O। ये जो 3 कर्व है OA OB एंड OC वो तीनों मिलता है ट्रिपल पॉइंट O पर। ये देखिए, दूसरा पॉइंट है 3 एरिया BOA AOC एंड COB। इसमें 3 एरिया होता है। ये देखिए, पहला एरिया है BOA, दूसरा एरिया है AOC एंड तीसरा एरिया है COB। तो अब चलिए इसे आगे समझते हैं। ये देखिए, तीसरा पॉइंट है पॉइंट ओ द इंटरेक्शन ऑफ 3 कर्व्स ट्रिपल पॉइंट। जो पॉइंट ओ है उस पर इंटरेक्शन होता है तीनों कर्व का, जिसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ये देखिए, पहला कर्व है कर्व OA। दिस कर्व रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम बिटवीन द फेज लिक्विड CO2 एंड CO2 गैस एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये कर्व रिप्रेजेंट करता है जब इक्विलिब्रियम में डिफरेंट टेम्परेचर पर CO2 लिक्विड चेंज हो जाता है CO2 गैस में। ये देखिए, इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। आप देख सकते हैं ये CO2 लिक्विड फॉर्म में है और ये जैसे ही इसको हीट करते हैं तो ये चेंज हो जाता है CO2 गैस में। और आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम का साइन है। CO2 लिक्विड से CO2 गैस फेज में भी चेंज हो सकता है और CO2 गैस फेज से CO2 लिक्विड फेज में भी चेंज हो सकता है। इट इज़ नोन एज वेपर प्रेशर कर्व। और हम लोग जानते हैं कि इसको वेपर प्रेशर कर्व कहते हैं। ये देखिए, दूसरा कर्व है कर्व OB। दिस कर्व इज नोन एज सबलिमेशन कर्व। इट रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड गैसियस CO2 एट अ डिफरेंट टेम्परेचर। ये कर्व हम लोग जानते हैं कि सबलिमेशन कर्व होता है
एंड ये कर्व रिप्रेजेंट करता है जब डिफरेंट टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म से CO2 कन्वर्ट हो जाता है गैसियस फॉर्म में। ये देखिए इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CO2 सॉलिड फॉर्म में है, जैसे ही इसको हीट करते हैं तो ये चेंज हो जाता है CO2 गैस, और आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम का साइन है। ये जो CO2 सॉलिड के फॉर्म में है, CO2 सॉलिड से गैस में भी चेंज हो सकता है और CO2 गैस से CO2 सॉलिड में भी चेंज हो सकता है, इसलिए इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम का साइन है। Along this curve, solid and gaseous CO2 exist together in equilibrium. इस कर्व के along जो solid and gaseous phase है CO2 का, वो exist करता है एक साथ equilibrium में। तो अब चलिए कर्व OC को समझते हैं। ये देखिए तीसरा कर्व है, कर्व OC। This curve is known as melting curve. This curve represent equilibrium between the liquid and the solid phase at CO2 at different temperature. ये जो curve है इसको हम लोग जानते हैं कि ये melting curve होता है, और ये curve represent करता है equilibrium में जब CO2 different temperature पर liquid form से solid form में convert होता है। ये देखिए CO2 लिक्विड के फॉर्म में है, आप देख सकते हैं, और ये चेंज हो जाता है CO2 सॉलिड के फॉर्म में। आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम का साइन है। CO2 लिक्विड से CO2 सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है और CO2 सॉलिड से CO2 लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम का साइन है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा था। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, सभी के लिए थैंक यू।